मेरा बेटा अनुराजपाल, हम एम्स में 3 साल से इलाज करा रहे हैं और हमारे पिताजी ने हमें बहुत प्यार से पाला और इसको एक बीमारी हो गई लुकोमिनिया, जो ब्लड कैंसर, उसका इलाज दिल्ली एम्स में करा रहे हैं। तो छोटी मोटी समाज सेवा भी की, पहलवानी की, पर मेरे कुछ दोस्त थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे, अच्छे रहते थे हम, तो मैं समाज सेवा करता गया, लोग जानते गए, धीरे धीरे फेमस हो गया और मेरे समाज के ही कुछ लीडर, कुछ दोस्त जिन्हें गिरिराज पसंद नहीं आता था, वो सोचते थे बर्बाद हो जाए, लोग बाग इसे क्यों चाहते हैं इतना। तो यार आपको बता दूँ, आप लोग खुश रहो, ज़्यादा मेरे बारे में मत सोचो, मैं तो वैसे ही बर्बाद हो गया जब मेरे बच्चे को बीमारी हो गई। तो शादी समारोह में कहीं जाते हैं, पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, ऐसे ऐसे लोग जो हमारे समाज के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, नेता हैं, विधानसभा लड़ रहे हैं, पता नहीं उनको क्या दिक्कत है। तो मेरे साथ सफ़र में करके मीटिंगों में जाते हैं ना, उन लोगों से पूछो मैं मीटिंग में कैसे पहुंचता हूं। आज मैं बताता हूं, मैं रात को निकलता हूं अपने घर से, इलाज करा रहा हूं दिल्ली में, संडे को डॉक्टर नहीं रहते यहां, तो शनिवार की रात निकलता हूं और जनरल डिब्बे में सफ़र करता हूँ, अहमदाबाद, सूरत, मेरठ, दिल्ली, ग्वालियर, हर जगह बड़ा संघर्ष करके पहुँचता हूँ। और पहुँचने के बाद जब मंच पर मैं पहुँचता हूँ तो नेता लोग और समाज से भी सोचते हैं अगर गिरिराज बोलेगा तो हमारा रंग ख़राब हो जाएगा, तो कई मंचों पर मुझे नहीं बोलने दिया गया और कई जगह मुझे लिमिट में टाइम देते हैं कि बेटा आपको 2 मिनट ही बोलना है। तो मैं इतना बोलना चाहूँगा सभी भाइयों से, अदर कास्टों के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कभी दुख नहीं पहुँचाया, कभी टांग नहीं खींची, लेकिन गड़रिया समाज के कुछ नेता और समाज से भी कुछ ऐसे भाई थे जिन्होंने बहुत टांग खींची गिरिराज पहलवान की, पर लेकिन इस ज़िंदगी से परेशान हो गया आज मैं, क्योंकि मेरे बेटे की 4थी बार बीमारी वापस आई है और इलाज कराऊंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। बस मैं इतना संदेश देना चाहता हूँ कि यार काम करना है समाज के लिए तो दिल से करो, ऐसा ढोंग मत करो। एक एक विधानसभा में 4-4 लोग, 10-10 लोग चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, जिला सदस्य में कहीं अपन जीत रहे होते हैं, 5-5 लोग लड़ते हैं, टांग खींचते हैं, गड़रिया को गड़रिया पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है समाज में। तो मैं इतना बोलना चाहूँगा यार मेरी बुराई मत करो, आप खुश रहो, मैं तो वैसे ही बर्बाद हो गया, ऐसा बर्बाद हुआ कि कोई हुआ नहीं हुआ अपने समाज में, समाज ने मुझे बहुत प्यार मान सम्मान दिया, सबका धन्यवाद। सभी भाई अगर करना है तो सच्ची समाज सेवा करें, नहीं तो घर बैठे अपने अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने बीवी बच्चे पालो। इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि आज दिल टूट गया बहुत, क्योंकि जिन लोगों को मैं समझाता था ना, वो लोग इतने समझदार हैं कि बस अपने अपना ही अपना स्वार्थ देखते हैं और समाज का सौदा कर देते हैं। आप सब समझदार हो, आप देखो कि समाज में क्या चल रहा है, और जो समाज के लोग समाज का सौदा करते हैं ऐसे लोगों का साथ ना दें। समाज की हर एक्टिविटी को मैं समझ चुका हूँ, पर लेकिन अब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। बस आज बड़े दुखी मन से वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बर्बाद हो गए भाई हम। आप लोग खुश रहना, समाज को संभालना। जय मां इंडिया, जय मलार, भारत माता की जय।